अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पाक। देसी नुस्खे पाक में हकीम आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा आज एक बहुत ही नायाब तलाब बताने जा रहा हूँ। तो तलाब बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, तलाए मुहाफ़िज़ हैं शबाब, इसका नाम है सुस्ती, ढीलापन, सख्ती का ना होना, रगों की खराबियाँ, बारीकी जैसे नुकसान के अजाले के लिए सहर असर लाजवाब मालिश है। मोश्तजन या सुस्ती से जुड़े अज़ू खास की बीमारियों के लिए नफीस और बेज़र्रर मालिश है। कुछ दिन पहले तला मैंने आपको बताया था तो बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जनाब और अच्छा सा तला बता दें। तो आज मैं आपको तला मुहाफ़िज़ शबाब बताने जा रहा हूँ। तो नुस्खा नोट कर लें दोस्तों। रोगन साढ़ा नर खुद साख्ता, पाँच तोला साठ का तेल अपने हाथों से निकला हुआ, खुद साख्ता उसको बोलते हैं। बेर बूटी दो तोला, दोनों को मिलाकर छः घंटे आपने खरल करना है। आला असरात और कम खर्च का ये तला है। रात को तला करें, छाला दाना और किसी भी किस्म की तकलीफ से इससे नहीं होती। और दोस्तों, ये बहुत ही नायाब तला है, उज़ू खास की अफजाइश के लिए भी बहुत ही नायाब है। इसके सिर्फ तीन ड्राप आपने इस्तेमाल करने हैं तो इसके नतायज आप खुद ही देखेंगे। तो शादीशुदा अफराद के लिए, शादीशुदा अफराद जो सुस्ती का शिकार हैं, उज़ू खास ढीला है, सख्ती ख़त्म है हो चुकी है, वो कम से कम 15 दिन इसकी मालिश करें। उज़ू लुहे की तरह सख्त होगा और तरव अलिफ की तरह सीधा होगा। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही नायाब तला है जिन्होंने मोशनी करके अपना बेड़ा अपने हाथों से गर्क कर चुके हैं, उनका नफ्स टेढ़ा हो चुका है या सुकड़ चुका है या उनमें इंतशार की कमी है, तो उनके लिए ये बहुत ही नायाब तला है। रोगन सांडा नर आपने लेना है, जो सांडा है वो नर आपने लेना है, उसका आपने खुद तेल निकालना है, पाँच तोला हो और बेर बूटी दो तोला हो, दोनों को आपस में आपने खरल करना है मुसलसल छः घंटे। तो इसके आपने तीन कतरे लगाने हैं नस के ऊपर, आगे वाली जगह को छोड़ देना है, नीचे वाली जगह को छोड़कर साइडों पर और ऊपर इसकी मालिश करनी है। और ऊपर आप अरेंड का पत्ता भी बांध सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर रुई भी बांध सकते हैं। इसको आपने ठंडे पानी से बचा के रखना है, नहाना है तो इसके ऊपर आप कंडम लगाकर, नफ्स के ऊपर कंडम लगाकर नहा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। तो देसी नुस्खे पाक को देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।